वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे पर्ल शेविंग का हैमर रेजर। काफी हैवी रेजर है, इसके टेक्निकल डिटेल्स थोड़े से हमने जाने थे लास्ट वीडियो में, आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। ओके, आज हम यूज करेंगे इसका ओपन कोम साइड, तो चालू करते हैं शेविंग, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। बियर्ड ग्रोथ आज एक हफ्ते से भी ज्यादा का है, टाइम नहीं मिला मुझे शेविंग करने का, बट एक तो इस रेजर से टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई ओपन कोम साइड जो है वो एक हफ्ते की या उससे ज्यादा की बियर्ड ग्रोथ को कैसे शेव करता है। लेट्स बिगिन द शेव। तो दोस्तों मेरे कुछ अजम्पशंस भी है आज के शेव में। एक तो थोड़ा बहुत गंक फंस सकता है इस रेजर में। ओके, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारा का सारा एक बार में स्क्विश होके साफ हो जाए, तो कुछ गंक फंस सकता है, तो मुझे एक्स्ट्रा रिंस करना पड़ सकता है, और आई मे रिक्वायर मल्टीपल स्ट्रोक्स फॉर द प्रॉपर शेव। ओके, नाउ एक पास करेंगे या दो पास, ये तो खैर जैसे जैसे शेव प्रोग्रेस करेगा उस हिसाब से हम तय करेंगे, बट या देखते हैं कैसे शेव करता है, और फिर इसका जो है वो एक फाइनल रिव्यू में बताऊंगा। आप फाइनल तो नहीं कह सकते बिकॉज मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ेगा, बट एक इनिशियल इंप्रेशन जो है इस रेजर का वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। आइए शेविंग शुरू करते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों वीगो टर्मरिक का शेविंग क्रीम, स्टैंडर्ड वाला। ओके, नाउ पर्ल शेविंग के अपने भी काफी सारे और शेविंग प्रोडक्ट्स आते हैं, शेविंग सोप आता है सनराइज ब्लिस वगैरह, कॉफी ऑप। ओके, एक और आता है विचार, विच आर रियली वेरी गुड, बट मैंने सोचा आई यूज वीको टर्मरिक, आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस शेविंग क्रीम एंड खुशबू एज वेल। तो चलिए फटाक से लादरिंग कर लेता हूँ। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैंने पर्ल शेविंग का ये मोजैक हैंडल वाला शेविंग ब्रश यूज किया है, सिंथेटिक ब्रिसेस, और ये मोजैक काइंड ऑफ डिजाइन है इसका, वेरी नाइस सॉफ्ट ब्रिसेस, बहुत आराम से फेस लादरिंग हो गया, कोई चैलेंजेस नहीं महसूस वीको हुए। टर्मरिक शेविंग क्रीम से बहुत अच्छा लादर प्रोड्यूस हुआ, विच इज स्टेबल एज वेल, एंड खुशबू इसकी प्रीमियम कलोन जो आता है जेके हेलन कर्टिस उस प्रकार के कुछ है, विच आई एम लाइकिंग, एंड मेन तो इसका परफॉर्मेंस जो है शेविंग क्रीम का बहुत अच्छा है। बहुत महंगे महंगे शेविंग क्रीम्स आते हैं दोस्तों काले पीले डब्बों में, उससे तो ये काफी अच्छा है, मुझे बजट के हिसाब से दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट शेविंग क्रीम। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड शेविंग क्रीम इन बजट, देन वीको टर्मरिक शेविंग क्रीम इज व्हाट यू मे वांट टू ट्राई। ओके, तो चलिए अब नाउ शेविंग करते हैं। हैमर रेजर ओपन कोम। ओके, फर्स्ट पास विद द ग्रेन, हैवी बियर्ड ग्रोथ एक हफ्ते से भी ज्यादा का। लेट्स सी, सिल्वर मैक्स ब्लेड जो इस रेजर के साथ में आई थी। इंप्रेशंस इन द फर्स्ट फ्यू स्ट्रोक वेरी वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ, मतलब ओपन कोम होने के बावजूद भी इतनी स्मूथ रेजर। या इट इज रियली वेरी गुड। ओके, देखते हैं और शेविंग करते हैं, और इसका फील कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है पता करते हैं। नाउ फर्स्ट फ्यू स्ट्रोक्स हैवी बियर्ड ग्रोथ, मक्खन कैसे शेव किया, बट नेवर कंक्लूड सो सून, पूरी शेव करते हैं फिर कंक्लूड करेंगे। यप, सो वन ऑफ माय अजम्पशंस वाज करेक्ट कि भाई इतनी बियर्ड, हैवी बियर्ड ग्रोथ पे जो है वो थोड़ा गंक फंसेगा, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इसको स्क्विश करना पड़ा। नाउ अगर 3 से 4 दिन की बियर्ड ग्रोथ होती तो शायद इतना स्क्विश नहीं करना पड़ता, बट दैट्स नॉट द रेजर्स फॉल्ट यार, मेरे बियर्ड के बाल ही आज बहुत ज्यादा है, पर मैंने कहा ओपन कोम रेजर है तो टेस्ट करने में हर्ज क्या है। वेरी नाइस एंड स्मूथ क्लीन स्ट्रोक्स, नथिंग इज गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। वेरी क्लीन स्ट्रोक्स एंड वेरी स्मूथ एज वेल, अच्छा लग रहा है इसे शेविंग करने में। चलिए मुस्टैश, चिन, नेक, ये साइड भी बाकी है। व्हाट शुड वी डू, आप बताइए, बोलिए कहाँ से करें शेविंग वापस। चलो मुस्टैश एरिया करते हैं, लेट्स लेट्स चेंज अ बिट। वेरी नाइस यार,
ओपन कोम होने के बावजूद भी इट फील्स वेरी स्मूथ, क्योंकि खास करके ना इस एरिया में मुझे पता पड़ जाता है कि अगर कोई रेजर जो है वो अनस्मूथ है या ब्लेड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो. बट ब्लेड इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी नाइसली, आई मस्ट से दिस. ओके चलो इधर शेयर करते हैं. हैवी बियर्ड ग्रोथ भी आराम से शेव हो रही है दोस्तों. एंड काफी रेजर्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि हैवी बियर्ड ग्रोथ शेव तो करते थे बट दे डोंट फील दैट स्मूथ, बट इट फील्स स्मूथ. कोई ऐसा इरिटेशन वगैरह का कोई मुझे लग नहीं रहा है अभी तक एज सच. एंड क्योंकि 135 ग्राम वजन वाला रेजर है तो कोई बिल्कुल दबाने वबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. मैं सिर्फ रेजर को ग्लाइड कर रहा हूँ चेहरे पे. चिन एरिया आ चैलेंजिंग पार्ट बट रियली शेविंग नाइस. देखो वो मार्क्स दिख रहे हैं रेक के, इसके जो खांचे हैं उसके मार्क्स दिख रहे हैं. इधर भी थोड़ा शेव करता हूँ. या सो इफ यू कैन सी बिकॉज ऑफ हैवी बियर्ड ग्रोथ इसमें थोड़ा गंक तो फंस रहा है, और दैट इज बिकॉज ऑफ हैवी बियर्ड ग्रोथ. भी आज लगभग हफ्ता भी क्या कह रहा हूँ मैं, 10 दिन के करीब बियर्ड ग्रोथ है मेरी आज. सो आइडियली वेन एवर माई बियर्ड ग्रोथ इज मोर देन 8 डेज देन आई फील एज इफ कि मुझे शेवेट यूज करनी चाहिए. बट या दिस दिस रेजर डिड वेल. यप थोड़े से शेव्ड बाल भी चिपक गए हैं चेहरे पे. या वो शेव्ड बाल ही है, शेविंग तो हो गई इधर नहीं हो गया. अब हो गया. वाह नाइस. आई डोंट फील द नीड ऑफ एनी पास नंबर टू एज सच, बट लेट्स डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. तो मैक्सिमम स्टबल तो ऑलरेडी शेव ऑफ हो ही गया है, बट या इट इज अ वेरी क्लीन शेवर. मतलब इतना क्लीन शेव मेरे को मिल रहा है कि मुझे अक्रॉस द ग्रेन जाने की जरूरत नहीं पड़ी चीक्स पे. एंड इट इज गुड इनफ अगेंस्ट द ग्रेन जाने की भी कोई जरूरत नहीं है नेक एरिया पे. इट इज शेविंग वेरी क्लीनली, वन ऑफ द वेरी गुड शेव्स आई हैव हैड इन सम टाइम. 10 दिन बाद तो शेव कर रहे हैं यार, तो ऑफ कोर्स इट हैज बीन अ वाइल सिंस आई हैव शेव्ड. सो बट आई एम वेरी हैप्पी यार. मतलब ऐसा नहीं है कि ये हैमर से मुझे ओपन कोम से शेव करना था तो मैं 10 दिन रुका, ऐसा नहीं है. आई जस्ट डिडंट गेट टाइम यार. I was busy in my own stuff, so it's very, very nice and effective. It does not feel aggressive, लेकिन heavy beard growth इतनी आसानी से shave कर दिया, तो it definitely has some powerful impact to it. Light touch, बिल्कुल भी pressure नहीं. यप वेरी क्लीन, बहुत ही बढ़िया यार. चलिए चेहरा वॉश कर लेता हूं
आफ्टर शेव सेक्शन कर लेते हैं और फिर बात करेंगे इस रेजर के बारे में डिटेल्स में। ओके सो आफ्टर शेव में यूज कर रहा हूँ मैं बोरो प्लस सॉफ्ट, ओके, वन ऑफ माई ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल पर्पज क्रीम्स विच ऑल्सो परफॉर्म्स एज अ गुड आफ्टर शेव क्रीम, बजट में है एंड दैट साइड इज वेरी गुड फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू एज कंपेयर टू मैनी अदर एक्सपेंसिव आफ्टर शेव बाम्स। Alright, now let's talk about shave quality. So shave quality is very good, very nice, more than presentable. Because it was a very heavy beard growth, मुझे पता था कि razor में gunk जो है वो फंसेगा and वो थोड़ा बहुत हुआ but extra थोड़ा सा squish किया तो gunk पूरा निकल गया. Overall this razor performed very very smooth. Okay, blade also performed nice. मुझे हल्का सा जो है यहाँ पे बिकॉज इट्स अ ट्रबल स्पॉट फॉर मी, वो शेव करते टाइम तो पता नहीं पड़ा लेकिन बाद में आई कुड फील दैट द शेव वॉज एग्रेसिव. ओके सो दैट्स लाइक जैसे लूपो में होता है रेजर ऑफ लूपो में कि भाई शेव तो बहुत स्मूथ लगती है करने टाइम पे, बाद में पता पड़ता है कि यार द शेव वॉज एग्रेसिव. आई थिंक द फीलिंग इज समवॉट सिमिलर इन दिस रेजर एज वेल. इट शेव्स वेरी स्मूथली एंड आई हैव नो चैलेंजेस इन नेक एरिया और चीफ मुस्टैश वगैरह यहाँ पे कहीं, सिर्फ हल्का सा यहाँ पे जो है वो मुझे पता पड़ रहा है कि या इट वॉज अ बिट एग्रेसिव एंड आई कुड एक्सपेक्ट दैट बिकॉज दिस इज एन ओपन कोम हैवी ड्यूटी रेजर तो वो तो हो ही सकता है. फ्रॉम अ यूजेबिलिटी स्टैंड पॉइंट रेजर जो है पूरा ब्रास का बना हुआ है, 100% ब्रास का, ओके हैवी ड्यूटी है, 135 ग्राम वजन बताया गया है इसका एंड रियली दैट फील्स बिकॉज बिल्कुल भी कोई प्रेशर जोर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. आपको सिर्फ रेजर शायद रखना है तो रेजर मैंने सिर्फ रखा और ग्लाइड किया, ओके थोड़ा स्ट्रेच किया मैंने स्किन को, दैट्स व्हाट आई जनरली डू, बट सिर्फ रखा और बिल्कुल लाइट स्ट्रोक्स किए मैंने एंड इट शेव वेरी वेल. सो इफ इट कुड शेव अ बियर्ड ग्रोथ वर्थ ऑफ लाइक 7 to 10 days आराम से तो फिर जो है 3-4 दिन की जो बहुत ही घनी कड़क बालों वाली दाढ़ी होती है शायद उसके लिए ये रेजर ओपन कोम के बेस ब्लेड के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. ब्लेड यू कैन यूज बेस्ड ऑन योर चॉइस, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आई रियली लाइक दिस ओपन कोम. आई मीन सम ओपन कोम्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जैसे पार्कर का 26C है, रोमर 7 का हाइब्रिड है, really very good shavers. Now this gets added to that list. Pearl shaving ka hammer ka open comb also very smooth, very nice. Khoon nahi nikla, shave aaram se ho gayi, feels very smooth, very clean. Yeah, that's what I could say. Very smooth, very smooth, very smooth. So yeah, it did feel very smooth and it did shave very clean. Ek hi baat bole yaar. Okay, but it's just अच्छा लगा मुझे ये रेजर ओवरऑल. नर्लिंग अच्छी है, गीले हाथ या सोपी हाथों के बावजूद भी कोई स्लिप एज सच नहीं हुआ, या बट दीज आर स्मूदर पॉइंट्स. ओके सो आई वुड सजेस्ट कि ग्रिप आप ये नर्लिंग वाले पोर्शन से ही करें विच इज वेरी ऑब्वियस. अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स नन सो फार, ओवरहैंग नहीं है which is a good thing so that makes it easier to shave in difficult areas. Okay, aaram se shave kar sakte hain aap. Would someone want to shave against the grain with this? Aap kar sakte hain try, aapki marzi, mujhe zarurat nahi padi. It was clean shave with the grain itself so I didn't feel the need of doing that, but you can try if you want to. Next shave mein jo hai wo I think 2 to 3 din ki beard growth pe hum log close comb se try karenge. I'll use the same blade. Let's see how it performs. अगर लगता है तो फिर ब्लेड वेट चेंज कर लेंगे. Yeah, we'll review it again with the close comb basically. Thank you very much for joining today, दोस्तों. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar.